हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जेवियर और आप देख रहे हैं जैव बाइट। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे भारत बिल पे या पेटीएम के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे करते हैं। भारत बिल पे ऐप SBI एनीवेयर ऐप का ही एक फीचर है। तो अपने मोबाइल पे SBI एनीवेयर आप इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं मोर, तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे और भारत बिल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे से क्लिक करते हैं, एक नया इंटरफेस खुल जाएगा बिल पेमेंट का। तो यहाँ से कैटेगरी चूज़ करेंगे आपको कौन सा बिल पे करना है। जैसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे करना है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को चूज़ कर लूँगा। उसके बाद आप बिलर को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने स्टेट के हिसाब से अपने बिलर को चूज़ कीजिए। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ तो ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ डालिए। ईमेल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या तो छोड़ दीजिए उसे। उसके बाद आप अपना कंज्यूमर आईडी नंबर डालेंगे। तो कंज्यूमर नंबर आईडी डालने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा। कंज्यूमर आईडी डालने के बाद फेच बिल पे क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे आपका नाम, बिलर नेम, बिल का डेट, बिल नंबर, बिल का पीरियड कितने महीने का, 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ, ड्यू डेट है कि नहीं, बिल का अमाउंट और पेमेंट चैनल इंटरनेट, और जो जो स्टार मार्क्स है उसको आपको मैंडेटरी फिल करना ही पड़ेगा। जैसे कि बिल अमाउंट मेरा 3,141 रुपये है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये आपको डायरेक्ट SBI नेट बैंकिंग के पेज पे ले जाएगा। यहाँ से आप इसे फिल करके यूजर नेम पासवर्ड के जरिए आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेटीएम के द्वारा कैसे बिल का भुगतान करते हैं। तो यहाँ से अपने पेटीएम ऐप पे ओपन करते हैं और राइट टू लेफ्ट स्वैप करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं, कैशबैक ऑफ़र या कुछ तरह के ऑफ़र रहते हैं। उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी कुछ ऑफ़र होगा। जैसे माय ऑफ़र में मैंने यह चूज़ किया था। और यहाँ पे मेरा स्टेट का नाम, यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो उसके पहले नीचे देख सकते हैं बहुत सारे ऑफ़र्स हैं। तो आप अपने हिसाब से ऑफ़र को चूज़ कर लीजिए। तो सबसे लास्ट वाला बोर्ड है WBSCDCL। तो मैं अपना कंज्यूमर आईडी इसमें डालूँगा। और प्रोसीड बटन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ का एक साथ भी दे सकते हैं। अगर आप चूज़ कर लेते हैं फिर कंफर्म बटन पे क्लिक कीजिए। और प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ किया है, लखपति ऑफ़र। अगर लक लगा तो मैं 1 लाख रुपए का कैशबैक भी मिल सकता है मुझे। तो ऑफ़र चूज़ करने के बाद मैं प्रोसीड बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप कुछ इंस्ट्रक्शन है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा।
तो फाइनली मैं प्रोसीड बटन पर फिर एक बार क्लिक करूंगा। और प्रोसीड टू पे पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ से अगर आपका बैंक अकाउंट पेटीएम से लिंक किया हुआ है तो उस अकाउंट से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ एक ओटीपी आया मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, यहाँ पे ओटीपी डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक कर दूँगा। तो एक मैसेज आया है, यहाँ पे प्रोसेसिंग शो कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद आपका मैसेज सक्सेसफुल हो जाता है। ये डिपेंड करता है क्योंकि बिल पेमेंट आपके जो बिलर है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने अकाउंट पे कब क्रेडिट करता है। तो आपका कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, साथ ही साथ आपके अकाउंट से भी बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो आप कुछ देर वेट कर सकते हैं और पेटीएम के मेन पेज पे जाके वहाँ से आप माय ऑर्डर पे देख सकते हैं आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत बिल पे या तो पेटीएम किस प्रोसेस में ज़्यादा जिस अधिक सुविधा है तो उस हिसाब से आप उसे चूज़ कर सकते हैं। मुझे तो पेटीएम बहुत ही सुविधाजनक लगा। हालांकि मैं भारत क्यूआर कोड के द्वारा भी बिल पेमेंट कर सकता था, लेकिन आज मेरा एसबीआई का अकाउंट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था तो उसमें नहीं कर सका। वीडियो को इन तक देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक तो बनता है यार। थैंक्स।